मेरे प्यारे दोस्तों, ये बॉलीवुड वालों का पर्दा तो पूरे तरीके से फाश हो ही चुका है। नशेड़ियों की कोई इज्जत बची भी नहीं है। फिल्मों का क्रेज जैसा आज से 1.5-2 साल पहले था, उससे 70% से भी ज्यादा का गिराव देखा गया है। जनता थिएटर्स में जाने का नाम ही नहीं ले रही है। अब इन लोगों के सारे हथकंडे आजमा लेने के बाद भी जब बात नहीं बनी, फिल्में एक के बाद एक करके धड़ाधड़ फ्लॉप्स होती ही जा रही हैं, तो अब जो कुछ बीते दिनों से नोटिस किया जा रहा है ना, वो है इमोशनल कार्ड। अब ऐसा करके ये लोग पब्लिक को इमोशनल फूल बनाकर थिएटर्स में लाना चाह रहे हैं। और अभी ऐसा ही किया गया है शाहिद कपूर के द्वारा भी। क्यों किया गया है? तो जनाब की नई फिल्म आ रही है जिसका नाम है जर्सी। और इस फिल्म के चक्कर में शाहिद कपूर अपने 31 करोड़ की फीस जो उन्होंने ली है, उसमें से वो 10-15 करोड़ भी छोड़ने वाले हैं ताकि फिल्म उनकी थिएटर में रिलीज हो सके। और शाहिद कपूर का कहना है कि ये फिल्म बेहद ही ज्यादा स्पेशल फिल्म है और इस फिल्म की असली जगह OTT प्लेटफॉर्म्स पर नहीं बल्कि थिएटर्स पर है। मतलब कि साफ सीधी बात है, अगर लोगों को पता लगेगा कि फिल्म बन जाने के बाद पैसों की कमी हो गई और फिल्म को OTT पर रिलीज होने से बचाने के लिए हीरो ने अपने 15 करोड़ रुपए छोड़ दिए, तो लोगों को तो यही लगेगा ना कि क्या पता, हो सकता है कि फिल्म बेहद अच्छी हो और क्या पता लोगों के सामने ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर देने के बाद फिल्म सुपर हिट हो जाए और छप्पड़ फाड़ कर कमाई भी करने लग जाए। अब इस फिल्म के साथ क्या होने वाला है, ये तो बहुत ही जल्द वक्त सबके सामने ला देगा। लेकिन इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप अभी तक हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, तो जुड़ करके हमारी आवाज और बुलंद करें। मैं मिलूंगा आप सभी से बहुत ही जल्द अगली वीडियो में और एक नए अपडेट के साथ।